हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साटे ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू डाउनलोड और हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा आईडीई। राइट, अब सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एनाकोंडा आईडीई। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एनाकोंडा आईडीई और आई कैन से एनाकोंडा एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है इन अ सिंगल एप्लीकेशन कॉल्ड एनाकोंडा। राइट, आप देख सकते हैं ये एनाकोंडा नेविगेटर मैंने हमने ओपन किया है, उसमें आप देख सकते हैं जुपिटर नोटबुक है, राइट, टी क्यू कंसोल है, स्पाइडर है एंड मैनी मोर। राइट, तो इसमें बेसिकली होते हैं क्या, मल्टीपल एप्स आर इन बिल्ड। फाइन, आपने सिर्फ एनाकोंडा इंस्टॉल किया तो यू कैन देन लॉन्च और आई कैन से देन इंस्टॉल एनी वन विच यू वॉन्ट। राइट, सो बेसिकली एनाकोंडा आईडी हैविंग आर स्टूडियो फॉर आर प्लेटफॉर्म और आर इन्वायरमेंट, स्पाइडर फॉर पाइथन सपोर्ट। राइट, इट हैविंग फॉर जावा स्क्रिप्ट, इट हैविंग सॉफ्टवेयर फॉर विजुअलाइजेशन, इट हैविंग द सॉफ्टवेयर। राइट, सो यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल द एनाकोंडा। अगेन, अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट आई कैन से एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनाकोंडा आईडीई, फॉर एग्जाम्पल हम स्पाइडर यूज कर रहे हैं फॉर पाइथन डेवलपमेंट। राइट, लेट सपोज वी आर डूइंग फॉर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एप्लीकेशन। राइट, सो डेफिनेटली हमें क्या होगा, मल्टीपल आई कैन से लाइब्रेरीज को यूज करना पड़ेगा, नम पाई, पांडा, साइकिट लर्न। राइट, फॉर डीप लर्निंग फॉर केरास। राइट, हमें मल्टीपल लाइब्रेरीज को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एनाकोंडा आईडी यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल पाइथन आईडी यूज करते हैं, नॉर्मल पाइथन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। राइट, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू इंस्टॉल द लाइब्रेरीज विच वी आर गोइंग टू यूज एट वंस। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने पाइथन आई डी इंस्टॉल किया है, लेट सपोज आई हैव टू यूज नम पाई और आई हैव टू यूज पांडा, सो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग पिप इंस्ट्रक्शन। फाइन, आफ्टर दैट आई कैन यूज इट। फाइन, बट इन एनाकोंडा और आई कैन से इन एनाकोंडा के अंदर स्पाइडर में, राइट, एक ऐसा आई डी ई है जिसपे आपको कोई भी आई कैन से लाइब्रेरी इम्पोर्ट सॉरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एनाकोंडा आई डी इंस्टॉल करके आपके लिए पैकेज अवेलेबल रखा है, सो वी कैन डायरेक्टली इम्पोर्ट दैट लाइब्रेरीज एंड वी कैन यूज दैट लाइब्रेरीज। ओके, सो ये एक बिगेस्ट एडवांटेज है स्पाइडर का और आई कैन से एनाकोंडा आई डी का। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा आई डी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हम गूगल में जाएंगे। राइट, गूगल में हम सर्च करेंगे एनाकोंडा आई डी फॉर विंडोज। राइट, आप मैक ओएस के लिए भी यूज कर सकते हो। राइट, आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे www.anaconda.com। राइट, ये आपकी प्राइमरी वेबसाइट है और आई कैन से ओरिजिनल वेबसाइट है। फ्रॉम हेयर वी कैन डाउनलोड एनाकोंडा आई डी। देन नेक्स्ट वी हैव टू मूव डाउनवर्ड, राइट, इन डाउनलोड सेक्शन। ओके, दिस इज द माय इंस्टॉलर सेक्शन। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग विंडोज 64 bit ऑपरेटिंग सिस्टम, आई विल यूज दिस। 32 bit ऑपरेटिंग सिस्टम, आई विल यूज दिस। फॉर मैक ओ एस सेम वी हैव, फॉर लिनक्स वी हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स इंस्टॉलर। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जो भी इंस्टॉल करेंगे रिमेंबर दैट यू विल इंस्टॉल पाइथन 3.7, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन। ओके, राइट, सो फ्रॉम हेयर यू कैन डाउनलोड आइदर 64 bit और 32 bit एंड विच एवर यू वॉन्ट यू कैन डाउनलोड इट। राइट, मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली लिंक क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, बाय डिफॉल्ट मैंने डाउनलोड किया है, सो आई कैन जस्ट स्टार्ट इंस्टॉलिंग द एनाकोंडा आईडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई कैन जस्ट प्रेस रन।
ओके, सेटअप इज लोडिंग नाउ, राइट? सो एनाकोंडा 3 2019, राइट? 64 बिट सेटअप, देन यूज नेक्स्ट, देन यू कैन रीड द लाइसेंस. ओके, सो आई जस्ट एग्री. जस्ट मी और ऑल यूजर, यू कैन डू विच एवर यू वॉन्ट. सो आई जस्ट प्रेस जस्ट मी बिकॉज आई हैव ओनली वन यूजर. नेक्स्ट, यू कैन सेलेक्ट द डेस्टिनेशन पाथ. सो आई बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड सी ड्राइव. ओके, देन नेक्स्ट. सो वॉर्निंग, द डेस्टिनेशन फोल्डर कंटेन वन स्पेस. दिस कैन कॉज द प्रॉब्लम विथ सेवरल एनाकोंडा पैकेजेस. प्लीज कंसिडर द रिमूविंग द स्पेस. ओके, एक्चुअली ओके राइट, सो नो नीड बिकॉज इट विल डिलीट बाय डिफॉल्ट. सो नेक्स्ट, एंड स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, एड एनाकोंडा टू माई पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल. राइट, आपको इसको क्या करना है, क्लिक करना है, देन यू हैव टू प्रेस नेक्स्ट. राइट, सो इट स्टार्ट इंस्टॉलिंग. इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स. यू कैन सी ओके, सो नाउ इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट एज यू कैन सी. राइट, सो आई कैन गो टू नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश. राइट, सो जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन एनाकोंडा आईडी. सो यू कैन सी एनाकोंडा नेविगेटर इज अवेलेबल. I can just open it. It's initializing. We have multiple apps, Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Spider, Glue Wizard, right, for multi-dimensional visualization, Orange for data mining, R Studio for our R work, right? R basically a type of language which is we use for machine learning or data science field, right? So very important, we don't install anything, we just launch my Spider, right? Because the Spider by default installed ahead, so directly we can launch it. Don't install the Glue Wizard or I can say R Studio or anything. Why? Because for example, हमने R Studio को install कर दिया. If we are not using it, right? So problem क्या होगा? R Studio install करने के लिए definitely इसकी सारी library install होगी, right? So it require more space. Fine. So ultimately our PC or our laptop get slow down. So it is better if you are not using the R Studio, Orange or VS Code and anything, don't install it, right? Okay, so I just launched my Spider, just waiting for to open.
this is basically spider for python 3.7. okay, so थोड़ा सा हम इसका डिटेल देख लेते हैं. राइट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो जो सेक्शन है ये बेसिकली है आप टू राइट द कोड. फाइन, यहाँ पे हम कोड अपना लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सो आई कैन प्रिंट हेलो वर्ल्ड विद प्रिंट सिंटैक्स प्रिंट पेरेंथेसिस, राइट, देन कोटेशन, आइदर सिंगल कोटेशन और मल्टीपल कोटेशन. सो आई कैन राइट हेलो वर्ल्ड, राइट, कोटेशन क्लोज. ओके, सो वी कैन प्रिंट दिस लाइन. वी कैन प्रिंट आइदर लाइन बाय सेलेक्शन, और आई कैन से वी कैन प्रिंट द लाइन बाय जस्ट सेलेक्टिंग दिस लाइन. एंड यू कैन सी दिस बटन, राइट, रन सेलेक्शन और करंट लाइन, और यू कैन प्रेस डायरेक्टली F9. सो आई जस्ट प्रेस हियर, राइट. तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंसोल है, राइट. सो कंसोल में यू आर गेटिंग आउटपुट एज हेलो वर्ल्ड. ओके, सो वट एवर यू विल रन और वट एवर यू राइट एंड देन यू विल रन, डेफिनेटली यू सी स्टेटस वेदर इट गेट रन और वेदर वी स्टक समवेयर, वेदर वी हैव एनी एरर और राइट, सो विच इज डायरेक्टली अपेयर ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमने कोटेशन एंडिंग कोटेशन हटा दिया, देन आई कैन प्रेस F9, राइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर, राइट, इट शोइंग एरर एंड इट शोइंग लोकेशन ऑल्सो कि एरर एक्चुअली है कहाँ, राइट. सो यू कैन सी ओवर एंड ऑफ लाइन का एरर है, लाइन हमारी एंड नहीं हुई है, मतलब डेफिनेटली कोटेशन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा. तो आप विद द हेल्प ऑफ करंट सेलेक्शन आप पर्टिकुलर लाइन को आप रन कर सकते हैं. फाइन, ओके. फॉर एग्जांपल, आई एम क्रिएटिंग माय वेरिएबल कॉल ए, ए इज इक्वल्स टू, और हम ए में क्या पुट करते हैं, 5 क्या हमारा इंटीजर है, राइट. सो आई कैन रन इट, रन सेलेक्शन, तो ए इज इक्वल्स टू 5 रन हो गया. आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल एक्सप्लोरर, राइट. ये वेरिएबल एक्सप्लोरर बेसिकली क्या होगा, जो भी वेरिएबल हम इनिशियलाइज करेंगे, जो भी वेरिएबल हम यूज करेंगे, वो वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का वैल्यू और वेरिएबल का टाइप एंड वेरिएबल का साइज सब आपको डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होगा. फाइन, राइट. ये एक मेन एडवांटेज है स्पाइडर यूज करने का, कि स्पाइडर में आपको वेरिएबल एक्सप्लोरर मिल जाएगा, कंसोल मिल जाएगा, वेयर यू आर गेटिंग एरर, एवरीथिंग, राइट. सो इट इज वेरी इजी और आई कैन से वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर दोज हु आर न्यू इन पाइथन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस फील्ड. फाइन, फॉर एग्जाम्पल हमें पूरी लाइन्स को रन करनी है, पूरे प्रोजेक्ट को रन करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले बटन है, रन फाइल F5, आप इसको क्लिक करेंगे, आपकी पूरी फाइल क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी. बिफोर रनिंग हमें इसे सेव करना पड़ेगा, राइट. हमने सेव कर लिया और रन कर लिया, यू कैन सी हेलो वर्ल्ड यहाँ पर रन हो गया है, देन ए का वैल्यू 5 आ गया है. फाइन, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे. ओके, और ये है कंसोल विच विल गिव यू द एरर, इफ देर इज एनी एरर इट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप जो भी रन करेंगे डेफिनेटली उसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा. एंड दिस इज वेरिएबल एक्सप्लोरर, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स मिल जाएंगे. दिस इज फाइल एक्सप्लोरर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी करंट डायरेक्टरी कहाँ, कौन सी डायरेक्टरी है, कहाँ पे आप यूज कर रहे हो, आपकी फाइल्स कहाँ सेव हो रही है. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइडर, सो इट इज वेरी इजी और आई कैन से यूजर फ्रेंडली. So for this tutorial it is done. So stay tuned, Sate e-learning, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like and share my videos. Thank you.